करेंगे देश में 70 सालों के बाद चीतों की वापसी के। मध्य प्रदेश के जंगलों में इन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन आखिर कैसे ये आ रहे हैं और किस तरह से भारत का यहाँ पर मान सम्मान और क्या आगे इसको लेकर प्लानिंग है, ये भी आप जानेंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल सागर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में भारत को नया तोहफा मिलने वाला है। नए तोहफे के तौर पर 8 चीते मिलने वाले हैं भारत को, जिन्हें बोइंग विमान से 747-400 विमान से विशेष तौर पर भारत लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्हें छोड़ा जाएगा और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन्हें विशेष टीम के द्वारा लेकर के आया जा रहा है, क्या क्या जो सावधानियां हैं वो भी बरती जा रही है। कुल मिलाकर के बड़ी प्लानिंग है चीतों को भारत में एक बार फिर से उनके लिए जंगल में उनके प्रजनन के लिए व्यवस्था हो, वो उनकी संख्या बढ़े, इसकी व्यवस्था की गई, बड़ी प्लानिंग की गई है। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसी योजना के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे। चीता हम चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से ला रहे हैं और ये बोइंग 747 है और ये बड़ा प्लेन इसलिए लिया है ताकि वो डायरेक्ट फ्लाइट से बिना रिफ्यूलिंग के, बिना बीच में रुके सीधे भारत आ सके, इसलिए बोइंग एयरक्राफ्ट हायर किया गया है। ये डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ चीते होंगे, हमारे 8 चीते होंगे, साथ में क्रू के अलावा इसमें कुछ हमारे अधिकारी और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स, चीता एक्सपर्ट्स, ये होंगे हमारे 3 भारतीय इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर और अधिकारी हैं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है नामीबिया का, उसके हाई कमिश्नर होंगे। इसके अलावा लॉरी मार्कर जो चीता एक्सपर्ट हैं, इनके साथ 3 और बायोलॉजिस्ट होंगे, तो ये सारे लोग उस चार्टर्ड। तो भारत में भी चीतों के लिए अभयारण्य बनाने की तैयारी है, इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। कल प्रधानमंत्री इन चीतों को एक तरीके से उनके घर जैसे माहौल में, पहले एक दायरा फिक्स किया जाएगा, वहां पर चीतों को रखा जाएगा और जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाए जा रहे हैं चीते, तो कंफर्टेबल होंगे तो फिर उनका दायरा, जो उनके घूमने का दायरा, उनके शिकार का दायरा बड़ा किया जाएगा। तो ये तैयारी है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, तो नामीबिया के चीते बढ़ाएंगे भारत की शान। नामीबिया से खास विमान से भारत आ रहे हैं 8 अफ्रीकी चीते और कहा जा रहा है कि ये शेर और तेंदुओं के बीच में पल के बड़े हुए हैं। 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं, जिनकी उम्र 5 से 8 साल के आसपास बताई जा रही है और ये जंगली माहौल में ही पले बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा जाएगा, विशेष तैयारियां की गई है। आसपास के जो 25 गांव हैं उनमें से कई गांवों को खाली करा दिया गया है, वहां के लोगों को पुनर्वास कराया जा रहा है, बसाया जा रहा है, ताकि इन चीतों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो जंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन्हें छोड़ा जाएगा, इन्हें बसाया जाएगा एक तरीके से, एक जगह से उठा करके, नामीबिया से उठा करके भारत में मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में इन्हें बसाने की तैयारी की जा रही है और इन पर 2400 घंटे नजर रखी जाएगी। बिल्कुल, करीब 70 साल बाद भारत में दोबारा इन्हें बसाया जा रहा है। पहली बार किसी मांसाहारी पशु को एक देश से दूसरे देश लाया जा रहा है। 1950 में दरअसल चीते विलुप्त हो गए थे भारत से भी और एक 70 साल के बाद इन्हें बसाने की बड़ी योजना तैयार की गई है और जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनके नजरिए से देखें तो बहुत अच्छी पहल है मोदी सरकार की तरफ से। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस योजना को हरी झंडी दिखाई थी। फिलहाल इस परियोजना के लिए 91 करोड़ का बजट भी रखा गया है। तो इस तरीके से ये सारी तैयारियां की गई है इन चीतों को भारत में बसाने की। बिल्कुल, तो भारत में तैयारी है इन चीतों को बसाने की, कोशिश की जा रही है कि भारत में भी चीतों की संख्या बढ़े। इन 8 चीतों को नेशनल अभयारण्य में रखा जाएगा और उन्हें वो तमाम सुविधाएं देने की कोशिश होगी जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल कर सकें। जंगल के माहौल में वो पले बढ़े हैं और यहाँ पर भी जंगल का ही माहौल उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है।